सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भी। मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट। साथियों, आपके बीच में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जो 21 तारीख को एक आंदोलन था, उस आंदोलन के संबंध में गोविंदपुरी थाने में एक FIR हुई थी। FIR नंबर है 280/2019। उसमें हमारे 96 लोगों को पकड़ा गया था। अब 96 लोगों के परिवार वालों को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपके बच्चे कहां पर हैं, और आपके बच्चों का हम लोग फ्री में लीगल जो एडवाइज है या लीगल केस वो लड़ रहे हैं। ये जेल का पूरा मैप है, जेल में कैसे मिला जाता है, मैं कैसे कौन कौन कहां होता है। एक नंबर जेल में S और Y नाम के लोग हैं। S और Y या ब्लड रिलेशन कोई हो तो वो लोग होते हैं। S और Y एक नंबर जेल में तिहाड़ की में। तीन नंबर जेल में जो अल्फाबीटिकल हैं, जो ABCD हैं, उनके नाम से है। तो तीन नंबर में B, V, C, D, E, F और G इन नाम से। फिर सुन लीजिए, जो तीन नंबर जेल तिहाड़ में है, B, V, C, D, E, F और G, इस नाम से, इस अक्षर से किसी का नाम अगर आता है तो तिहाड़ की तीन नंबर जेल में। चार नंबर जेल में तिहाड़ की में अगर A और R नाम से किसी व्यक्ति का नाम स्टार्ट होता है, A अक्षर से और R अक्षर से, A से और R से किसी का नाम स्टार्ट होता है तो वो चार नंबर जेल में तिहाड़ की में। अगर कोई बच्चा 18 से 20 साल का है तो वो तिहाड़ की पाँच नंबर जेल के अंदर है, और 8 नंबर और 9 नंबर तिहाड़ की जेल में जो अक्षर हैं वो J, Z, L, M और N, 8 नंबर और 9 नंबर जेल तिहाड़ की में। फिर सुन लीजिए, 8 नंबर 9 नंबर जेल तिहाड़ की में जो अक्षर हैं वो J, Z, L, M, N। रोहिणी कोर्ट में जो है, जो रोहिणी जो जेल है, रोहिणी जेल में 10 नंबर जेल है, रोहिणी की एक ही जेल है 10 नंबर, उसमें किस अक्षर से लोग हैं, उसमें है H, I, K, Q, O, P, T, U और W। फिर सुन लीजिए, रोहिणी जेल में किस किस नाम के बच्चे हैं। 10 नंबर जेल है रोहिणी जेल में, 10 नंबर जेल, उसमें किस अक्षर से नाम शुरू होता है। अगर H अक्षर से नाम शुरू होता है तो रोहिणी जेल में होगा। H, I, K, Q, O, P, T, U और W मैंने सारे दिखा दिए हैं, और एक बार देख भी लीजिए, इसमें एक बार देख लीजिए, आप पूरे को देख लीजिए, ऐसे उनसे मिल सकते हैं। और अब जेल में मिलने का तरीका क्या है, कैसे हम मिल सकते हैं, अपने जो घर वाले हैं जो चिंतित हैं वो कैसे जेल में मिल सकते हैं, तो उसका हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर पहली बार कोई व्यक्ति जाता है, या तो रोहिणी जेल में किसी का बच्चा है जो मैंने नाम बताए वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, या मुझसे पूछ लेंगे। मेरा नंबर है 9582905506, ये मेरा नंबर है, एडवोकेट सुजीत सम्राट। अगर किसी को डाउट है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। परिवार वाले, जिनके बच्चे हैं परिवार वाले, वो परिवार वाले अगर अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं या उनसे रिलेटिव कोई मिलना चाहते हैं तो कैसे मुलाकात करें, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। पहली बार आप अपना ओरिजिनल ID, आधार कार्ड या कोई भी ID लेकर जाएंगे, उसकी फ़ोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाएंगे। आप जेल नंबर बताएंगे कि मेरा बच्चा इस जेल नंबर में है, उसका नाम ये है, उसके पिताजी का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और 8 बजे आपको पहुंचना होगा, तो आपकी बिना किसी बुकिंग के, बिना किसी परमिशन के आपकी मुलाकात हो जाएगी। और जब आप अंदर जाएं तो अपने उस व्यक्ति से, जो भी अंदर बंद है, उससे कहना कि वो एक जो जेल प्रशासन है उसको एक चिट्ठी लिख दे कि 10 नाम 1 से लेकर 10 नाम तक वो मिलने की परमिशन दे सकते हैं, वो जिनसे मिलना चाहता है 1 से लेकर 10 नाम तक के वो अंदर लिखवा दे कि ये लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, ये लोग मुझसे मिलें, तो वो 10 जो लोग हैं वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो बुकिंग करा सकते हैं। वो टेलीफोन से बुकिंग करा सकते हैं, ईमेल से बुकिंग करा सकते हैं, या वहाँ जाके भी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कैसे होगी मैं उसको बताता हूँ अभी।
जब दूसरी बार आप जाएंगे तो दूसरी बार आपको बुकिंग करा के जाना है। पहली बार तो बिना बुकिंग के ही जा सकते हैं आप 8 बजे, पर दूसरी बार जब जाएंगे तो बिना बुकिंग कराते हैं, टेलीफोन से भी बुकिंग करा सकते हैं आप। टेलीफोन का नंबर लिख लीजिए, तिहाड़ जेल का टेलीफोन का नंबर जो बुकिंग नंबर है वो भी आप लिख लीजिए। तिहाड़ जेल का बुकिंग नंबर है 1-800-110-810। ये बुकिंग नंबर है तिहाड़ जेल का, फिर दोबारा सुन लीजिए, 1-800-110-810। एक दूसरा नंबर है 011-28-520-202। ये दो नंबर हैं तिहाड़ जेल के, इन पर आप बुकिंग करा सकते हैं। उन्हीं लोगों की बुकिंग होगी जिनका नाम अंदर होगा। जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं उस व्यक्ति ने अगर उनका नाम लिखवा रखा होगा तो दूसरी बार उन्हीं से मुलाकात होगी। तो जो पहली बार जो मिलने जाए वो लिख दे कि वो 10 नाम लिख दे अंदर जिनसे भी वो मिलना चाहते हैं। रोहिणी कोर्ट की जो बुकिंग है कैसे होगी, रोहिणी कोर्ट की बुकिंग के नंबर हैं 011-27-29-1501। फिर दोबारा सुन लीजिए, 011-27-29-1501। पहला नंबर है 502, दूसरा नंबर है 503, तीसरा नंबर है 504, चौथा नंबर है। तो 4 नंबर है वहाँ के, 501 पीछे लगा हुआ है, 502 दूसरा है, 503 तीसरा और 504 चौथा। फिर दोबारा बोल देता हूँ एक बार नंबर पूरा, उसके बाद अब 4 नंबर लगा लेना, 011-272-91-501। ये आप टेलीफोन से बुकिंग कर सकते हैं। जो लोग ईमेल से बुकिंग करना चाहते हैं, वो लोग भी लिख लें, ऑनलाइन जो बुकिंग करना चाहते हैं उन्हीं लोगों की बुकिंग होगी जिनका नाम अंदर होगा, ये आप स्पष्ट कर लें। तो जो पहली बार जाए वहाँ पे वो कह दे कि इन 10 लोगों के नाम, 1 से लेकर 10 तक के नाम वो लिखवा सकते हैं। ऑनलाइन जो बुकिंग होगी उस पर eprisoner.nic.in पर जाएं। उसके बाद आप एक पोर्टल निकलेगा, पोर्टल है उसको नेशनल प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन पोर्टल NPIP, आप दिखाते हैं जरा अभी उसको निकाल के एक बार दिखाएं। ऑनलाइन पे आप जा सकते हैं, तो उसको जब ऑनलाइन पे जब जाएंगे तो आप कैसे करेंगे ऑनलाइन पे, ये है वो आपको अब दिखाई दे रहा होगा, तो ये है ऑनलाइन पे जाएंगे आप, ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये विजिटर डिटेल है, विजिटर डिटेल भरनी है उसमें, कौन कौन से विजिटर डिटेल, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या पता है, क्या एड्रेस है। उसके बाद नीचे आप किससे मिलना चाहते हैं, उसकी डिटेल है, कौन सी नंबर जेल में है, कहाँ है उसका एड्रेस है, और फिर उसको सबमिट कर देना है तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उस आदमी से मिल लेंगे। मगर ये जब ही मिल सकते हैं जब आपका नाम अंदर होगा, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। फिर दूसरा ये है कि जो भी व्यक्ति वहाँ अंदर जा रहे हैं, जिन व्यक्तियों से मिलने के लिए, जो उनके घर वाले जो जा रहे हैं, उनका एक स्मार्ट कार्ड बनता है, स्मार्ट कार्ड उनका बनाएं, उसमें 1,000 से लेकर 6,000 तक या जितने भी पैसा उसमें आप स्मार्ट कार्ड में डलवाएं, जिससे कि वो अपना वहाँ पर जो वहाँ वह है आपका खाने की सुविधा है, ड्राई जो सामान मिलता है उसको ले सकें, साबुन ले सकें, वो करें, वो अभी सुविधा भी करा सकते हैं, उसके लिए कपड़े भी लेके जा सकते हैं, उनके लिए जो सुविधा है वो कर सकते हैं जो पहली बार जा सकते हैं। घर वालों की बात कर रहा हूँ, घर वाले अगर जाना चाहते हैं तो वो ही कर सकते हैं, अदरवाइज जिसके नहीं है उसके लिए हम लोग उसकी उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए हम काम कराएंगे। साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी क्योंकि 96 जो लोग हैं उनके परिवार वाले लोग हम लोगों पर और एडवोकेट्स उन साथियों पर बराबर फ़ोन कर रहे हैं, कुछ साथी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, पूरे समाज के एडवोकेट्स मदद कर रहे हैं, कुछ पत्रकार मदद कर रहे हैं जैसे जो बहवव हैं, और उन्होंने मदद करी है, उन्होंने एक लिस्ट बना के हमको तैयार करके दिए, वो लिस्ट बनाई है उन्होंने। उसके बाद नाहुल अकपाल जी हैं, वो भी लगातार इसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद और अंतानी जी हैं, मनोज अंतानी जी हैं, और जितने भी मतलब बहुजन न्यूज के जितने चैनल्स हैं या और जो पत्रकार हैं या और जो साथी हैं, पूरा समाज इस जो मुहिम है इसमें साथ है हमारे, और जो लोग हैं, जो लोग समाज के लोग हैं
वो ये उनकी दिल की इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी निकले। हमारी पूरी लीगल टीम काम कर रही है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग के साथ खड़े होने की जरूरत है आपकी। अगर साथ भी कोई आदमी खड़ा होता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और मैं फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो लीगल टीम जो काम कर रही है, किसी को भी, किसी भी घर वाले को या जो व्यक्ति अंदर गए उसके किसी भी उसे उसके घर वाले को किसी भी एडवोकेट को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ेंगे, सब आपके बच्चों को, आपको बाहर निकालेंगे, आपके बच्चों को आपको बाइज्जत उनको घर पहुंचाया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी, बहुत ज़रूरी, क्योंकि कल सोमवार है और सोमवार से मुलाकातें जारी हो जाएगी। तो मुलाकात सोमवार से करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन और लेनी है, किसी को कोई डाउट है तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। फिर आप मेरे नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9582905506। साथियों, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप फ़ोन कर सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरु की। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।